घर की कांग्रेस सबकी कांग्रेस बयान पर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को एहसान फरामोश तक कह डाला है। दरअसल पांच राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के अंदर नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक धड़ा खुलकर कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की वकालत कर रहा है जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं और अपने ताजा बयान को लेकर चर्चा में हैं। सीनियर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा था कि गांधी परिवार के लोगों को अब साइड होकर दूसरे नेताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। यूपीए जमाने थे तो सारे मौके का फायदा उन्होंने उठाने में कई कसर नहीं छोड़ी। अभी जब यूपीए में यूपीए सत्ता पे नहीं है, सत्ता के बाहर है, तो यूपीए के सारे चीज़ों ने बुरा लगने लगी। मतलब जब सत्ता पे थे सब कुछ हसीन लग रहे थे, अभी सत्ता की बाहर सब कुछ बुरा लग रहे हैं। इसको कहते हैं कि एहसान फरामोश लोग, ये पार्टी करते हैं सब अपने धंधा के लिए। ये अवसरवादी नेताओं वो आज कांग्रेस की बुरी हालत समझते हुए कांग्रेस को इस समय आपदा के समय जब साथ देना चाहिए था वो उस समय कांग्रेस को और ज़्यादा विरोध करने लगे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। इस तरीके के नेताओं को पहले से पहचान लेना चाहिए था।